ओम शांति। ये सृष्टि एक वर्ल्ड ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। हर एक के संस्कार, विचार, स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। किन किन लोगों को छोटी छोटी बातों में बहुत ही जोश आ जाता है, और वो जोश के साथ साथ वो जोश इतना बढ़ जाता है, एकदम वो क्रोधी हो जाते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप इतनी छोटी बातों में इतना गर्म क्यों होते हैं, इतना क्रोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं वैसा तो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बड़ा शांत है, परंतु जब कोई गलती करता है तो हमारे को क्रोध आता है। अभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिए। सामने वाले ने गलती किया और हमने उसके ऊपर क्रोध किया। क्रोध करने वालों का पहले तो मत्था गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसका शुगर बढ़ जाता है। गलती सामने वाले ने किया और सजा हमको मिल रही। अभी आप ही बताइए ये कौन सी समझदारी है। वास्तव में देखा जावे तो जो गलती करता है सजा उसको होनी चाहिए, ना कि हमें होनी चाहिए। परंतु अपना आपा खो बैठते हैं, और वो आपा खो जाने के कारण, कंट्रोल खो जाने के कारण खुद को इस सजा के भागी बनते हैं। उसने एक भूल किया, उसके सामने हम दो भूलें करते हैं। एक तो जोश किया, और दूसरा सामने वाले को अगर हमने कुछ भी उल्टा सुलटा बोला जोश में तो उसको दुख दिया। तो दो भूलें करने के कारण दो प्रकार का दंड हमें मिलता है। एक तो उसी समय हमारी तबीयत के ऊपर इफेक्ट हो गया, वातावरण गर्म हो गया, अशांत वातावरण हो गया, दूषित कर दिया हमने वातावरण को। और दूसरा जो हमने उसको दुख दिया उसका दंड भी धर्मराज के पास नोंद हो जाता है। अभी इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें खुद को सुधारना है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला सुधरेगा तो हम सुधर जाएंगे, अगर वो भूले नहीं करेगा तो हम क्रोध करना छोड़ देंगे, ये वास्तव में रॉन्ग है। हम तभी सामने वाले को सुधार सकते जब खुद सुधरते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। अब जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक जग नहीं सुधर सकता। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने अंदर धीरजता को धारण करना है, उसके साथ साथ हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, और हमें ये सदैव याद रखना है कि हर एक का स्वभाव, हर एक के कर्म अपने अपने हैं। दूसरों को देख करके हमें अपना जो शांति का स्वभाव है उसको खोना नहीं, क्योंकि क्रोध ये ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में हम खुद भी जलते हैं और सामने वाला भी जलता है। तो हमें क्रोध अग्नि को प्रज्वलित करने के बजाय उसमें शीतलता का जल डालना है, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति। तो अगर कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसको साक्षी होकर के देखते हुए हमें शांति को धारण करने की आवश्यकता है, कि हम शांति के सागर के बच्चे। तो जब ये हम ध्यान में रख लेते हैं कि सामने वाले को सुधारने के लिए पहले हम खुद को सुधार लेवे तो औरों को भी सुधार सकते। एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर प्रवचन करता था,
इसीलिए उसके प्रवचन में लेक्चर में बहुत पब्लिक आती थी। दूसरा व्यक्ति भी प्रवचन करने वाला था, परंतु उसके पास ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो उसको बड़ी जेलसी होती थी। वो खास छुप के आके बैठ के उसका प्रवचन सुनता था कि आखिर ये बोलता क्या है, लोग क्यों इतने खींच खींच के आते हैं। इसीलिए वो जाता था, बैठता था और जेलसी भी करता था। एक दिन बहुत पब्लिक बैठी हुई थी, उसका प्रवचन चालू था, लोग तालियां बजा रहे, इसको बड़ा गुस्सा लगा, इसने पैर में से शूज निकाल के सीधा स्टेज के ऊपर फेंका। मंच के ऊपर जब उसने वो शूज फेंका अपना, तो लोगों के अंदर बहुत हलचल हो गई, देखने लगे अरे किसने ये पाप का काम किया, उसको ढूंढना चालू किया। तो ये जो प्रवचन करने वाला था, इसने कहा थोड़ा आप शांति करिए, सब शांति से बैठ जाइए। और फिर उसने वो जो शूज़ उसने फेंका था, तो इसने कैच कर लिया था हाथ में, उसने वो शूज़ अपने पैर में डाला। अरे बोला कमाल है, ये तो एकदम मेरे को फिट है। बोला कहा जिसने एक शूज़ फेंका है कृपया और दूसरा शूज़ भी इधर फेंकिए, नहीं तो फिर एक काम कीजिए आप आके ये शूज़ ले जाइए, क्योंकि ना मेरे काम में आएगा ना आपके काम में आएगा एक एक। तभी सब लोग हंसने लगे और शांत हो गए। फिर जब उसका कार्यक्रम पूरा हुआ, तो वो व्यक्ति उसके पास आया और उसके चरणों में गिर के रोने लगा, कहा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आज मेरे को रियलाइज हो गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सामने वाले को सुधारना है, तो हमें खुद को, हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, उन संस्कारों को कभी भी बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठता से आप कनिष्ठता को नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर वो सहन शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शीतलता होनी चाहिए, जिससे क्रोध की अग्नि को हम बुझा सके सामने वाले के, और उसको परिवर्तन कर सके, ना कि खुद को क्रोध करने की या भूलें करने की आवश्यकता है। आज हर एक मनुष्य अपने को सुधारना चाहता है, परंतु सुधारने की, परिवर्तन होने की उसमें शक्ति नहीं है। वो शक्ति जो है वो राजयोग के द्वारा मिलती है। तो इसीलिए परमात्मा आके जो हमें योग सिखाता है, जिस योग के द्वारा हमारा जो मन है, वो मन और बुद्धि उसके ऊपर एकाग्र हो जाते हैं, और जितना जितना हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग लगाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर उसकी शक्तियाँ आती जाती हैं, और उन शक्तियों के द्वारा हम अपने मनोविकारों के ऊपर, अपने आदतों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म का बीज है संकल्प। अगर संकल्पों को सुधारा जाए तो हमारे कर्म सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ हो गए, संस्कार श्रेष्ठ हो गए तो सारा संसार ही श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें मालूम है कि हमारा प्राचीन भारत ये देव भूमि था, जहाँ पर देवी देवताएं निवास करते थे, दिव्य गुणों वाले मनुष्य रहते थे, वहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, वहाँ पशु पंछियों में भी इतना प्यार था। तो उस भारत को वापस लाने के लिए, भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए, हमें अपने विचारों को स्वर्णिम बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, जिससे हम खुद में परिवर्तन ला सके, सारे वातावरण को शांत और सुखी बना सके, और उसके साथ साथ औरों को, औरों में भी परिवर्तन ला सके। तो इसीलिए परमात्मा पिता हमें यही शिक्षा देते हैं कि आप सब मुझ शांति के सागर परमात्मा के बच्चे हो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगा करके आप अपने अंदर शांति को धारण करो, ना कि क्रोध की अग्नि को जलाओ, ना कि जोश करो, परंतु एक ही पिता के संतान होने के कारण आपस में भाईचारा रखो, आपस में प्रेम रखो, और एक दो की गलतियों को न देख उसके उसको और ही आप शांति का दान दो, उसको अच्छा रास्ता बताओ। तो इसीलिए अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमारे को राजयोग की शिक्षा और उसके साथ साथ कर्मों की गहन गति को जानने की आवश्यकता है।
जो परमात्मा शिव आकर के इस समय समझा रहा है और नया स्वर्णिम भारत बना रहा है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने अंदर परिवर्तन लावे, अपने विचारों को पॉजिटिव बनावे, श्रेष्ठ बनावे, कल्याणकारी बनावे और सभी का कल्याण करने के लिए निमित्त बने, परमात्मा के कार्य में हम सहयोग दें। क्योंकि कहा जाता है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, सारे संसार को सुखमय बनाना है तो हमें उसमें जरूर सहयोग देना है। मन वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बना करके श्रेष्ठाचारी दुनिया लानी है। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।